बहुत इश्यू ये सब लड़की भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। और अभी कॉकपिट कुछ ऐसा है, थोड़ा सा यार कैमरा एंगल ठीक करना पड़ेगा। नाउ चलते हैं एक नए, थोड़ा सा काफ़ी टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं हुआ है यूट्यूब पे, तो आज मोटो व्लॉग ही पोस्ट करेंगे और पब्लिक रिएक्शन भी आज कैप्चर करेंगे और आप लोगों को बताऊंगा। जब आप कैमरा वेयर करते हो और आप देखो भाई पूरा विजिबल है, थोड़ा सा धूल बहुत हो गई है अभी, ऐसा पूरी बाइक धूल ही धूल से भरी हुई है। और आप लोगों के लिए यार ब्लॉग बना रहा हूँ, फोटो ब्लॉग और विद रिएक्शन वीडियोस, ठीक है ना। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि सब्सक्राइब करके पता चलता है यार वीडियो सही बन रही है और हम लोग कनेक्ट होते रहोगे। आज है वीकेंड का दिन, वीकेंड की शुरुआत थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी से और नए कॉकपिट के साथ। भाई बहुत तगड़ी धूप है, धूप है बहुत तगड़ी, तो टैनिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बनी है और आज लेट भी हो गया है। और दिन जल्दी चले जाता था बट टुडे आई एम लेट। बढ़ाओ भाई जल्दी, टू मच लेट टुडे। और आप वाइजर लगा लिया है, वाइजर से थोड़ा सा क्या रहता है ना, टैपेट एडजस्टमेंट मांग रही है बाइक, थोड़ा सा टैपेट एडजस्टमेंट का इशू लग रहा है बाइक में, तो लेट्स तो तीसरी सर्विस होगी इसकी, तो लेट्स ही देखते हैं, टैपेट एडजस्टमेंट करवाएंगे। और हाँ यही है यार ब्लॉग आज का, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है बट धूप बहुत तेज़ ज़्यादा है, तो टैनिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई। इस वीकेंड कुछ प्लान करना पड़ेगा इधर उधर जाने का, बट उम्मीद पूरी है कि कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि बिजी शेड्यूल है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना कि कहीं पर घूमने जाया जा सके। तो आप लोग यार आई होप कि विंड नॉइज तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दो दो लेयर का एकदम साउंड प्रूफ एक आता ना माइक के ऊपर अटैच्ड हो जाता है, तो वो मैंने असेंबल किया हुआ है, तो होप कि आप लोगों को ऑडियो क्लैरिटी बढ़िया आ रही होगी। नहीं भी आ रही होगी तब भी चला लूँगा काम, क्योंकि मेरे को तो ब्लॉग डालना है, आप लोगों से कनेक्ट, क्योंकि यार काफ़ी लोग अब देखने लगे हैं, यूट्यूब पे फॉलो करने लगे, तो यार अब मोटो ब्लॉग डालना पड़ेगा, ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी क्योंकि। और हाँ गाइस, आप लोगों को मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, अगर कोई जना मेटियोर परचेज करना चाहता है तो यार गो फॉर इट। मैं बोलूँगा कि 100% आप मेरी तरफ से परचेज करो मेटियोर, क्योंकि मेटियोर से बढ़िया बाइक कोई हो नहीं सकती भाई, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस और लो मेंटेनेंस में आप उसको चला सकते हो, बढ़िया करके जैसे मर्जी वैसे चलाओ, ऑफ रोड पर ले जाओ, लद्दाख ले जाओ, कहीं ले जाओ, आप आराम से ले जा सकते हो, बस कुछ नहीं, गो फॉर इट। कोई भी बाइक और बाइक मत देखो, क्योंकि मेटियोर मैंने पूरा टेस्टिंग किया हुआ है,
सबको लद्दाख राइड, पूरा ऑफ रोड ट्रेल, जैसा भी जैसी भी बुरी कंडीशन होती है वैसी कंडीशन मैंने वो बाइक चला रखी है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और आप लोग ले सकते हो। और इससे पहले कि कमेंट सेक्शन पे करूं तो आप भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ब्लॉग्स आपके पास आते रहें। काफ़ी लोग तो कह रहे होंगे भाई क्या है, काफ़ी टाइम बाद पता नहीं सालों सालों के लिए चला जाता है, गायब हो जाता है और कोई ब्लॉगिंग नहीं, फोटो कोई वीडियो नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, जो मेरे पुराने कंटेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ा सा पोस्टिंग कर रहा हूँ, ताकि ना यार कनेक्टेड रहूँ दुनिया से, पूरा डिस्कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि लोगों से भी कनेक्ट होने में फ़ायदा जो मिलता है आपको, वो आप अकेले में आप कितनी मेहनत कर लोगे, एटलास्ट आपको लोगों से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और भाई जिसका डर था वही हुआ, काफ़ी तगड़ा जाम मिल गया। खैर हमें को क्या दिक्कत, हम तो बाइक से इधर से इधर से उधर काटो और इधर से उधर चलो, बस हो गया, आगे निकल गए। तो देखो ऐसे हम लोग चला देते हैं बाइक को, गियर फंस रहा है इसका तो थोड़ा सा मेंटेनेंस मांग रही है बाइक। बट देख रहे सिगरेट भी पी रहा लौटा, आए साहब छुट्टा फूकते हुए स्कूटी चलाई जा रही है, बाइक चलाई जा रही है, ये होता टेंशन भाई। आज लगता है पूरा जाम मिलता है आज। सीट यार इसकी काफ़ी नीची हो गई हिमालयन की, यार बड़ा गंदा सा फील हो रहा है इसमें, एकदम बहुत छोटी लग रही है, एकदम स्कूटी जैसी लग रही है। कुछ भूल गया हूँ आज लगता है, समथिंग आई फॉरगॉट। एक कैंपिंग करनी थी यार, वापस से कैंपिंग का एक बहुत मन हो रहा है। लास्ट टाइम किया था अल्मोड़ा में, किया था हम लोगों ने अल्मोड़ा में किया था, और कैंची धाम में किया था, जो कि बढ़िया वेदर था, बारिश के मौसम में हमने कैंपिंग की थी, बढ़िया मज़े से सोए थे, खाया था पिया था, तो मज़ा आ गया था। तो खाया पिया मतलब कोल्ड ड्रिंक पी थी, ठीक है ना, कुछ और मत समझ लेना, वो चीज़ से हम काफ़ी दूर हैं। और चलो मेरे को लगता है ना आधा ब्लॉग तो इधर ही बन जाएगा, ट्रैफिक में बन जाएगा, और यही है यार, क्योंकि ना डेली ब्लॉग करना भाई, जो लोग करते हैं भाई बहुत बड़ा सैल्यूट है उन लोगों को डेली ब्लॉगिंग जो करते हैं। मेरे से तो भाई क्या होता है ना, एक अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लगता नहीं है, तो लाना पड़ेगा, आएगा। उससे पहले उम्र निकल जाए उससे पहले लाना पड़ेगा अनुशासन, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप जीवन का पता चलता है कि चल रही है या फिर स्थिर है, स्टेबल है। स्टेबल कभी नहीं होनी चाहिए, स्थिरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हाँ आगे बढ़ना है ना, एक ही चीज़ कर लेना, हॉर्न बजा लेना बस, एंड 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 आगे बढ़ जाओगे। अच्छा मजाक था, चलो एनीवे जैसा भी है, देखो भाई क्या सोच रहा था साला, क्या ट्रैफिक मिल गया पता नहीं, सारे लोगों को भाई अभी निकलना था बाहर, पूरा भर गया रोड पूरा। ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों में ना रोड में चलने की जगह नहीं मिलेगी, हर घर में मल्टीपल गाड़ियां हो जाएंगी। और यार क्या यहाँ पहुँचते पहुँचते 10-12 मिनट तो इधर ही लग गए, अब आगे जाके क्या ही ब्लॉक बनाने का मन रहेगा। चलो तो यार आपको ना आगे मिलता हूँ सीधा, इधर तो ना साला। गाइस आज मैं ना आज ही के दिन दो ब्लॉग डालूंगा, एक सुबह और एक शाम। आज से ऐसा करते हैं एक दिन में दो ब्लॉग डालते हैं, और
दोनों टाइम का बताते हैं, डेली बेसिस का क्या क्या चलता है ज़िंदगी में, क्या क्या नहीं होता है। तो ये तो रहा मॉर्निंग का ब्लॉग, और शाम का ब्लॉग आपको शाम को मिल जाएगा, जो कि आएगा 7-8 बजे तक। और ये वाला ब्लॉग अभी 11 बजे का रखते हैं, क्योंकि 11 बजे का टाइमिंग बेस्ट है। आप यहाँ पर रुको यार, ये तो गड़बड़ा गया मामला। आगे चलना पड़ेगा क्या? आगे चल देते हैं। अरे पता ही नहीं चलता कब ग्रीन कब रेड हो गया। तुम्हें बड़ी जल्दी है साले, अड़चड़ आदमी। यार ये कैमरा में कैप्चर हो गया, सॉरी गाइस। ऐसे भी एक ये मैं डालूंगा नहीं, कट करूंगा। तो यार आप देखो, इतना इतने मेहनत कर रहा हूँ भाई ब्लॉगिंग बनाने में, भाई बहुत मेहनत होती है। बिल्कुल हेलमेट सेटअप करो, माइक सेटअप करो, GoPro सेटअप करो, GoPro माइक अडेप्टर सेटअप करो, हेलमेट को सही से प्लेस करो, विंड नॉइस अंदर नहीं जानी चाहिए। आपको एक बाइक का टेक केयर करने का एक फॉर्मूला बताऊं? बाइक को गाइस कंपनी बोलती है 5000 किलोमीटर पे सेकंड सर्विस कराओ, बट मैं बोलूँगा 5000 किलोमीटर उन लोग का एंड पॉइंट रहता है। तो 5000 पर न टिके रहे, दिस इज 3500 to 4000 के अराउंड आपका किलोमीटर रहेगा, आप तुरंत सर्विस करा लें, क्योंकि उससे एकदम मरने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब चीज़ें रह जाती हैं फिर अफसोस के अलावा और आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो बेटर यही है कि आप सर्विस ड्यूरेशन से पहले सर्विस करा लें, बाइक भी अच्छी रहेगी और आप कभी रास्ते में धोखा नहीं खाओगे। और हर सर्विस पे गाइस इंजन ऑयल ज़रूर चेंज करवाएं, चाहे कोई भी सर्विस हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इंजन ऑयल ज़रूर चेंज करवाएं, क्योंकि यार वो मेन चीज़ है। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, तो आप ज़रूर इसको फॉलो करें। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें मेरे को कमेंट सेक्शन में, और तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा एक एक पॉइंट्स का। आपके जो जो डाउट्स है, काफ़ी लोगों ने ECO थॉटल पंप थॉटल बॉडी के ऊपर काफ़ी कमेंट्स किए हुए हैं। गाइस मैं ये बता दूं आपको, थॉटल पंप और ECU ये सब बस गई लड़की भाई, मुंह पे लगता है बिल्कुल। रिएक्शन देखा आपने गाइस, डर गई थी एकदम से, मुंह पे लगा था उसके बाइक वाला अपना, हाँ ऑटो वाला सॉरी। तो यार ये रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं। भाई घूमने का तो काफी प्लान, बीच रोड में चल बोला। चलो यार गाइस, मॉर्निंग का ब्लॉग इतना ही है, और आपको शाम के रिएक्शन दिखाएंगे कुछ क्यूट।